WHO की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि बच्चे के फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ के अंदर उसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही कराना चाहिए, इवन पानी भी उसे नहीं देना चाहिए। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर मैटरनिटी लीव को 26 वीक्स तक इंक्रीज किया है। पर किसी वर्किंग वुमेन को इस इनिशियल पीरियड में जब उसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए अपने बच्चे को, तब अगर उसे ऑफिस ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़े तो वो किस तरीके से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क को किन किन तरीकों से और कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे आप ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं, और किस तरीके से स्टोर्ड ब्रेस्ट मिल्क को अपने बच्चे को आपको फीड कराना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा ना हो। तो मॉमीज, वेलकम टू इंडियन बेबीज अनबॉक्स्ड। प्रेगनेंसी, बेबी केयर और पेरेंटिंग रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन बेबीज अनबॉक्स्ड को हमारे वीडियो के नीचे इस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस का कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दें और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। देखिए, नॉर्मली ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप अपने हैंड्स के थ्रू एक्सप्रेस करें, एक मार्केट के अंदर मैनुअल ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप जो मार्केट में अवेलेबल है आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है और डिपेंडिंग अपॉन ऑफकोर्स योर बजट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड एक्सप्रेशन की। हैंड एक्सप्रेशन सबसे ईजीएस्ट तरीका है। आप अपने ब्रेस्ट को या तो सी शेप में होल्ड करके प्रेस कीजिए या यू शेप में होल्ड करके जब आप प्रेशर देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेट होने लगेगा और आप उसे किसी भी कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं। पर हैंड एक्सप्रेशन आपके लिए तब यूज़फुल है जब आप बहुत ही रेयरली आपको एक्सप्रेस करना पड़ रहा है अपना ब्रेस्ट मिल्क, प्लस ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अब बात करते हैं मैनुअल जो ब्रेस्ट पंप अवेलेबल है मार्केट में उनकी। मैनुअल पंप इस तरीके से होते हैं जैसे जब आप अगर गार्डनिंग करते हो तो स्प्रे बॉटल्स आपने देखी होंगी, सिमिलर मैकेनिज्म पे वो मैनुअल ब्रेस्ट पंप काम करते हैं। मैनुअल ब्रेस्ट पंप से आप जब ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आपके हैंड और रिस्ट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आता है क्योंकि आपको प्रेशर देके पूरा ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करना है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होने लगेगी और आप एक्सप्रेस करते करते बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। मैनुअल ब्रेस्ट पंप आपके लिए तब यूज़फुल है जब आप बहुत ही ओकेजनली पंप करना चाहती है, स्पेशली कि इन बिटवीन फीडिंग्स के अंदर अगर आप अपनी मिल्क सप्लाई को बूस्ट करने के लिए पंप कर रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैनुअल ब्रेस्ट पंप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, आपके हाथों के लिए तो है ही पर ब्रेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन डेवलप होने लगता है मैनुअल ब्रेस्ट पंप के थ्रू, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड ब्रेस्ट पंप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ होते हैं, दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, और अगर आप डबल पंप यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक साथ आप दोनों ब्रेस्ट से आप मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो टाइम कंजम्पशन है वो कम हो जाता है उससे और बहुत ही ईजी हो जाता है। इन बिटवीन यूज़र्स के लिए आपको किस तरीके से उसको क्लीन करना है और उसको स्टोर करके रखना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है उनके अंदर, बाकी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप जब वर्किंग वुमेन हैं और आपको बहुत ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। पर्सनली मैंने मेडेला का मिनी इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप यूज़ किया है, उसका जो डबल पंप आता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो ये मिनी इलेक्ट्रिक जो पंप है वो सिंगल ब्रेस से एक बारी में एक्सट्रैक्ट करता है और बिना पेन के काफ़ी अच्छे से उससे ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडेला का जो ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है उसके बारे में रिव्यू करूं या उसके पार्ट्स क्या हैं कैसे हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप कोई भी ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करें, चाहे आप बैटरी ऑपरेटेड यूज़ करें, चाहे मैनुअल, चाहे इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि वो पंप बच्चे की नेचुरल सकिंग रिदम के ऊपर बेस्ड हो। नेचुरल सकिंग रिदम से यह मतलब है कि जब बच्चा प्रॉपरली लैच्ड होता है तो जितनी भी मिल्क डक्ट्स होती हैं ब्रेस्ट के अंदर सबसे बराबर फ्लो निकलता है, और इसी मैकेनिज्म के ऊपर अगर ब्रेस्ट पंप बेस्ड होगा तो एक तो आपके लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा
और दूसरा आपके सारे मिल्क डक्ट्स में से अगर ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस हो जाएगा तो किसी भी तरीके का ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने का खतरा मिनिमाइज हो जाएगा। कहते हैं कि आप अगर वर्किंग वुमेन हैं तो कितनी कितनी देर में आप पंपिंग सेशन कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऑफिस के ड्यूरेशन में तो मैं ब्रेस्ट पंप यूज़ नहीं कर पाऊंगी या किस तरीके से मैं ऑफिस में ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर पाऊंगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर ये क्लॉज इंक्लूड किया है कि हर एम्प्लॉयर को एक लैक्टेटिंग मदर को कुछ ब्रेक्स देने पड़ेंगे ताकि वो ब्रेस्ट मिल्क को या तो एक्सप्रेस कर सके या अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली उन ब्रेक्स के ड्यूरेशन में करा सके। और ये जो ब्रेक्स हैं ये आपके टोटल वर्किंग ड्यूरेशन के अंदर इंक्लूडेड होते हैं और उसके लिए आपको फुली पेमेंट भी मिलेगा। तो आप इन ब्रेक्स को ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने के लिए यूटिलाइज कर सकती हैं। प्लस इस एक्ट के अंदर ये भी क्लॉज इंक्लूडेड है कि अगर आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करते हैं तो उसको स्टोर करने की फैसिलिटी भी आपके एम्प्लॉयर को आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। जो इनिशियल मंथ्स होते हैं उसके अंदर बच्चा हर 2 से 3 घंटे के बीच में फीड करता है। अगर आप रेगुलरली 2 से 3 घंटे के इंटरवल में अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क भर जाएगा हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल में। इसलिए आप हर 3 घंटे के इंटरवल से अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करें इवन इन द ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस। जैसे ही आप ऑफिस से घर जाएं, बच्चे को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड कराएं और जितनी भी फीडिंग्स हो इवन नाइट की फीडिंग्स में इन बिटवीन फीडिंग्स के अंदर आप थोड़ा थोड़ा पंप करते रहें ताकि एक तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बने रहे, दूसरा अगले दिन जब आप ऑफिस जाएं तो उस ड्यूरेशन के अंदर बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल हो। आप किसी भी तरीके से अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करें, कुछ बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं। एक्सप्रेस करना शुरू करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से किसी एंटीबैक्टीरियल सोप या हैंड वॉश से अच्छे से वॉश करें और उसके बाद कम्प्लीटली एयर ड्राई करके उसे सैनिटाइज ज़रूर करें। जिस भी कंटेनर में आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करें उसे प्रॉपरली क्लीन करें और उसे ज़रूर स्टेरिलाइज करें। इसके अलावा आप जब भी ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना शुरू करें तो अपने ब्रेस्ट को एक वार्म कंप्रेस दें, यानी गर्म सेक करें थोड़ा सा ब्रेस्ट के ऊपर और उसके बाद जेंटली थोड़ा सा मसाज करने के बाद एक्सप्रेस करना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि वो एरिया थोड़ा वार्म हो जाएगा और आपके लिए एक्सप्रेस करना ईजी हो जाएगा और मिल्क का फ्लो भी बराबर आएगा। एक्सप्रेस करते हुए अपने बेबी को विजुअलाइज कीजिए, ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने बच्चे को फीड करा रही हैं। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो भी वर्क प्रेशर या वर्क एनवायरनमेंट का कोई स्ट्रेस होगा तो वो रिलीज हो जाएगा और मिल्क का फ्लो अच्छा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि जो भी आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर रहे हैं उसे किस तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज कंटेनर के बारे में। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आप ग्लास का कंटेनर यूज़ करें तो, क्योंकि किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन होने के चांसेस एक ग्लास बॉटल के अंदर नहीं होते हैं। अगर आप प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक कंटेनर या जार यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो BPA फ्री हो। मार्केट के अंदर ब्रेस्ट मिल्क के लिए स्पेशली डिज़ाइंड एक स्टोरेज बैग्स भी मिलते हैं। आप चाहें तो वो स्टोरेज बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके कलेक्ट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्रेस करने के बाद ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो क्रीम का पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो बॉटम में सेटल हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी आप उसको इस तरीके से शेक ना करें। शेक करने से क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं ब्रेस्ट मिल्क के वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगे। जब इस तरीके से लेयर बन जाती है तो आप बॉटल या कंटेनर जो भी है उसको स्वर्ल करें इस तरीके से। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो क्रीम कंटेंट और वाटर कंटेंट आपस में मिक्स होकर एक प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क के मिक्सचर के फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ही आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करें उसके तुरंत बाद उसको एक अच्छे से कैप लगा के उसको बंद कर दें अपने कंटेनर को और तुरंत ही उसको रेफ्रिजरेट कर दें। ध्यान रखिए कि आप ब्रेस्ट मिल्क को जिस भी कंटेनर में आप एक्सप्रेस करें उसको लिड लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि एनवायरनमेंट से किसी भी तरीके के बैक्टीरिया से वो कंटेमिनेट ना हो जाए। अगर आप उसे रूम टेम्परेचर के अंदर रखते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे तक सही रहता है, उसके बाद आपको उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मीनवाइल के अंदर मान लीजिए अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस किया और उसको बच्चे को आपने पिलाया तो जैसे ही बच्चे का सलाइवा ब्रेस्ट मिल्क में लग जाता है उसके बाद आपको उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद जितना भी रिमेनिंग ब्रेस्ट मिल्क है उसे आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क को रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो ये 3 दिन तक सही रहता है ब्रेस्ट मिल्क।
कोशिश करें कि अगर आप कोई इंसुलेशन बैग मार्केट में जो मिलता है उसके अंदर अपने कंटेनर को डाल के रखें ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छे से फ्रेश रहे। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो शेल्स होती हैं आप कोशिश करें कि बिल्कुल बैक साइड में उसको रखें ताकि इसको बहुत ही प्रॉपर कूलिंग मिल जाए। और ब्रेस्ट मिल्क को अगर आप स्टोरेज बैग्स के अंदर कलेक्ट करते हैं जो फ्रीज़र के लिए डिज़ाइन हो और आप फ्रीज़र के अंदर ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करेंगी तो ये 3 महीने तक फ्रेश रहता है। अब बात आती है कि ये जो रेफ्रिजरेट किया है मिल्क को, इसको बच्चे को किस तरीके से देना चाहिए। जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर से ब्रेस्ट मिल्क को, जो भी कंटेनर या बैग किसी में भी स्टोर किया उसको बाहर निकालें, तो आप सीधा टैप खोलें और टैप वाटर के नीचे उसको 2-3 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद एक कंटेनर लें वार्म वाटर का, उसके अंदर आप उस कंटेनर जार बैग जो भी है उसको डिप करके रख दें जब तक कि ब्रेस्ट मिल्क एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी के अंदर नहीं आ जाता। और जब ब्रेस्ट मिल्क एक प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप अपने बच्चे को उसे फीड कराइए। ध्यान रखिए कि आप जब रेफ्रिजरेटर से ब्रेस्ट मिल्क निकालें तो उसे माइक्रोवेव ना करें। उसके पीछे रीज़न ये है कि माइक्रोवेव में बहुत ही ज़्यादा अनइवन हीटिंग होती है, तो इसलिए सारे कंपोनेंट्स ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रॉपरली हीट अप नहीं हो पाएंगे और यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। इसलिए हमेशा एक कंटेनर में पानी गर्म करके उसके अंदर आप अपने ब्रेस्ट मिल्क के कंटेनर को डालें ताकि वो प्रॉपरली रूम टेम्परेचर पर आ सके। जब भी आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को इस तरीके से वार्म कर लें तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने बच्चे को उसे फीड कराना है। और जो बचा हुआ मिल्क होगा उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको दोबारा से रीफ्रीज ना करें। अब बात करते हैं कि ये जो वार्म हो गया है मिल्क, इसको आपको बच्चे को किस तरीके से देना चाहिए। नॉर्मली मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि बच्चे को 1 कप और 1 स्पून से ही फीडिंग करानी चाहिए, बॉटल्स हमेशा अवॉइड करने चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि बॉटल से बच्चा जब दूध पीता है तो उसके अंदर एक तो एयर स्वेलो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे को कॉलिक होने का खतरा होता है। दूसरा, बॉटल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया या इन्फेक्शंस के ट्रांसमिट होने का खतरा होता है, इसीलिए प्रेफरेबल हमेशा कप और स्पून ही होता है। अगर कप और स्पून से आपको टीडियस लगता है प्रोसेस, तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके के फीडर्स अवेलेबल हैं। ये 90 ml का फीडर है, इसके अंदर आप इस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क यहाँ इस पोर्शन के अंदर भर दें और उसके बाद जब आप यहाँ से प्रेशर देंगे तो ब्रेस्ट मिल्क अपने आप यहाँ स्पून के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं, जो कि इजी भी रहता है प्रोसेस और बच्चा भी काफ़ी एंजॉय करता है इस तरीके के फीडर से। इसके अलावा एक ऑप्शन और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरीके के यूटेंसिल अवेलेबल होते हैं मार्केट में। साउथ इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको बोला जाता है पालाडाई। तो साउथ इंडिया के अंदर ब्रेस्ट मिल्क जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो पालाडाई से दिया जाता है और बहुत ही इजी होता है इससे देना, बच्चे भी इससे आसानी से पी लेते हैं। इस कंटेनर में अराउंड 15 ml तक का मिल्क एक बार में आता है और बच्चे की कॉर्नर ऑफ लिप्स पे आप इसको जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ड्रिजल करते जाइए उसके माउथ में और वो सक करता चला जाएगा। साउथ की परंपराएं और ट्रेडिशंस काफ़ी ज़्यादा रिच हैं और वहाँ पे शुरू से इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चे को कॉलिक या गैस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इस तरीके के यूटेंसिल्स डिज़ाइन किए गए हैं और पालाडाई से ही इजीली बच्चे को फीड कराया जाता है। जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क वार्म करने के बाद ब्रेस्ट मिल्क देना शुरू करें तो एक बार उसको अच्छे से स्वर्ल कर लीजिए ताकि जो क्रीम पार्ट है ब्रेस्ट मिल्क का और वाटर पार्ट है वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। स्वर्ल करने के बाद अपने रिस्ट के नीचे ज़रूर 2-3 बूंद गिरा के टेम्परेचर का चेक ज़रूर करें। इसके अलावा आप चाहे कप और स्पून यूज़ करें, चाहे फीडर, चाहे पालर है, जो भी आप यूज़ करें, सारे इक्विपमेंट्स को पहले अच्छे से वॉश कर लें और उसे स्टेरिलाइज करें, उसके बाद ही अपने बच्चे को उसमें ब्रेस्ट मिल्क दें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन, उसके स्टोरेज और उसको दोबारा बच्चे को देने से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो पाएँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी से हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हम और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन को हिट करके और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप हमारे इंडियन बेबीज़ अनबॉक्स फैमिली का हिस्सा बन सकें और हमने जो ये अवेयरनेस इनिशिएटिव लिया है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ मिलकर स्प्रेड कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए #AwareTheParentWithIBU से और हम आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग। Wow!